जे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करे तो रेवड़ी है। मुद्दों पर बाईस जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर शानदार अंदाज में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, और इसी बीच देखा जाए तो इस भव्य राम मंदिर को लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार यहाँ पर किस दिग्गज नेता को निमंत्रण भेजा गया है, किससे नहीं, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। किसे बुलाया जाएगा, किससे नहीं, इसको लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। और ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सचिन पायलट जो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, और सचिन पायलट से हाल ही में पूछा गया सवाल कि आखिरकार वह राम मंदिर के समारोह में जाएंगे या फिर नहीं, क्या वह इस समारोह का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं, उन्हें निमंत्रण मिला है या फिर नहीं, इसको लेकर सचिन पायलट ने भी अब जवाब दे दिया है। पायलट का कहना साफ तौर पर रहा है कि मैं किसी के बुलाने पर भगवान के मंदिर में नहीं जाऊंगा, बल्कि जब मेरा मन होगा मैं तभी जाऊंगा। सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे धर्म के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं पायलट का वो बयान कि कैसे पायलट ने यहां पर साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अपनी बात रखती है, सुनिए जरा। सचिन जी, 22 तारीख को राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करे तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूँ। आपने सुना कि सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब धर्म के नाम पर बीजेपी फिर से राजनीति कर रही है, और ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है उस समारोह का हिस्सा वह बने या ना बने ये उनकी मर्जी है, निमंत्रण उन्हें मिले या ना मिले ये उनकी मर्जी है, लेकिन जब उनका मन होगा तभी वह अयोध्या की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।